Hey guys, good morning and welcome back to my channel Tweet of Tia. और आज है 14th of April, तो आज है मकर संक्रांति नहीं, आज है संक्रांति, चैत्र संक्रांति। तो आज के दिन हमारे बंगाली में क्या होता है ना, भेज खाया जाता है, प्योर भेज। जैसे कि दाल में टॉक दाल, हमारे यहाँ पे जैसे कि टॉक दाल होता है, मतलब खट्टा चीजों से दाल बनाया जाता है और कड़वा चीजों से भी दाल बनाया जाता है। और यहाँ पे ना खट्टा चीज का दाल कोई नहीं खाता है, इसीलिए जो ये आम है, कच्चा आम है, इसका मतलब जो टॉक है वो बनाया जाएगा और कड़वा दाल बनाया जाएगा और भी मिक्स वेज बनाया जाएगा। तो आज कोई भी हाउस हेल्पर जो है नहीं आएंगे, तो इसीलिए आज मम्मी को और मुझे ही करना पड़ेगा। और आज संक्रांति के दिन पूरा घर में झाड़ू पोछा सब कुछ लगाना पड़ेगा। तो मैं अभी चॉपिंग स्टार्ट कर दिया हूँ और आप लोग देख रहे हो कि मैं सुबह सुबह लिपस्टिक लगा के बैठी हुई हूँ। हाँ, एक लिपस्टिक नई लिपस्टिक आई है, तो मुझे मतलब मैं तरस गई थी उसको लगाने के लिए और देखने के लिए। एक न्यूड सा वो क्या लिया है नहीं लिया है, मैं एक वीडियो में जरूर दिखाऊंगी सब कुछ। मैंने बहुत कुछ चीज परचेस की है फिर से, इसीलिए तो लिपस्टिक लगा के आ गई हूँ और अभी चॉपिंग कर रही हूँ। चॉपिंग मैं पूरा आज कर दूंगी मम्मी को, मम्मी खाना बनाएंगी और बाकी झाड़ू पोछा सब घर में आज मैं लगाऊंगी और देखते हैं क्या होता है। आज भाई छातू भी है, तो हमारे यहाँ पे भाई छातू नहीं होता है, इस घर में होता है। तो हमारे एक दीदी ने, मतलब इनके एक कजिन सिस्टर ने सब भाइयों को इन्वाइट किया है, तो वो लोग आज रेडी होके जाएंगे भाई छातू खाने के लिए। तो वो मैं शूट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरा इनवाइट नहीं है, वो भाई और बहन के बीच में ही होता है इसीलिए। तो इंट्रोडक्शन इतना ही, बाकी जैसा जैसा होता जाएगा मैं वैसे वैसे दिखाती जाऊंगी। तो मैं अभी भी चॉपिंग कर रही हूँ, तो ऑल तो सब कुछ हो गया है, सिर्फ आलू फ्राई करना बाकी है। और ये अगर होता है तो ये कर दूंगी, बट नहीं, और अगर नहीं होता है नहीं। आपको थोड़ा दिखा दीजिए, आप रेडी होके जा रहे हो, कल का टी शर्ट ही पहना है और यहाँ पे अभी भी जो है बलून्स लगा हुआ है। और ये मैं हूँ, कल के तरह ही बिल्कुल वैसा ही ड्रेस है, सिर्फ जीन्स चेंज हुआ है। अच्छा, आप जाओ। खत्म हो गया है चॉपिंग का काम, अभी साफ सफाई का काम जो है करना पड़ेगा। और लिपस्टिक का कलर अच्छा लग रहा है ना, मुझे भी अच्छा लग रहा है। आप लोग संक्रांति कैसे सेलिब्रेट करते हो प्लीज कमेंट करके बताना, क्योंकि बहुत लोगों का बहुत सारा जो है मतलब रिचुअल है आज के दिन, तो वो मुझे बताना, तो मुझे जान के बहुत अच्छा लगेगा। मैं रिप्लाई तो नहीं दे पा रही हूँ, बट पढ़ती हूँ सब कमेंट। के रूम, मम्मी के रूम, मैंने झाड़ू पोछा लगा दिया है आज, बिल्कुल ऊपर से का ऊपर से लेके नीचे का जो स्टेयर्स है वो अभी झाड़ना पोछना बाकी है, किचन पोछना बाकी है, गैस साफ करना बाकी है, मेरे रूम मतलब हम लोगों का रूम जो है वो रूम करना बाकी है। तभी चले चलिए चलते हैं ऊपर का रूम झाड़ू पोछा करते हैं। पोछा लगाते हैं, तो यहाँ पे ऐसे ही करते हैं, तो यहाँ पे ना मॉप, जो विशिंग मॉप है वो नहीं है,
तो हमको लेना पड़ेगा, क्योंकि क्या है ना, जब वो लोग नहीं आएंगे तो ऐसे मेरे घर में भी नहीं होता है तो बहुत दिक्कतें होती है, सब घर को पोछा लगाना। बट आज तो संक्रांति है, करना तो पड़ेगा ही। बाद मैं शूट कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों ने शायद 5 मिनट्स का क्लिप देखा है पूरा घर साफ करने का, बट मुझे 2 घंटा लग गया है। उसके बाद मैं शावर लेने गई थी और आज मैंने एक साड़ी पहनी है येलो कलर की। तो मेरी सासूमा जो है, मैं मतलब मम्मी जी जो है, वही बोल रहे थे कि एक येलो कलर का साड़ी या फिर कुर्ती आज कुछ पहनो, कुर्ती भी पहन सकते हो, साड़ी भी पहन सकते हो। मैं सोच रही थी साड़ी पहन लूँ, तो मैंने आज साड़ी पहन लिया है। और अभी ना मतलब हम लोगों का भतीजी जो है वो भी आई है और जेठानी भी आई है। स्कूल में आजकल जो प्रोग्राम होता है वो वर्चुअल प्रोग्राम होता है, तो मैं कल बता दिया था उन लोगों के यहाँ पे ही लेके आना आप लोग, और यहाँ पे ही मैं सजा दूंगी। और शूट भी जो है यहीं पे होगा, क्योंकि वहाँ पे ना थोड़ा मतलब बैकग्राउंड जो है अच्छा नहीं आएगा, यहाँ पे बैकग्राउंड बहुत अच्छा आएगा। मेरे घर मेरे ऊपर के रूम पे भी कर सकते हैं या फिर छत में भी कर सकते हैं। और अभी जो बड़े भैया है, बड़े भैया फूल ले रहे हैं भतीजी के लिए, क्योंकि कानों में बालों में वो फूल पहन के डांस करेंगे और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। वो अभी रेडी हो रही है, तो हम लोग खाना खा लेते हैं। आज खाने में बना है दाल, मिक्स सब्जी, तीतर दाल, कड़वा दाल, मिक्स वेज एंड एक पकोड़ा, आम टॉक, बस अन्ना और कुछ ना, हाँ इतना ही बना है यार। तो अभी ये खाने बैठेंगे और मैं भी खाऊंगी, फिर मम्मी और भैया जो है, एक भैया वो भैया खाएंगे, फिर हो जाएगा। और मुझ मैं बहुत फ्रेश दिख रही हूँ, राइट? हाय रिवन,
कितना प्रीटी लग रही है देखो। खूब सुंदर लग गया। हम लोग भी जब छोटे थे, छोटी थी ना, मैं जब छोटी थी तब ऐसे ऐसे करके हम लोग सच के डांस करते थे। तो अभी जो है मैं बोल रही थी मिस दी को कि ये सब कर दो, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि रविंद्र नृत्य तो वो डांस करने वाली है, इसीलिए चलो तो अभी 4:30 हो गया है और अभी जो प्रोग्राम है वो ख़त्म हुआ है। अभी मुझे कल का जो बर्थडे ब्लॉग है वो मुझे एडिट करनी पड़ेगी और पब्लिश भी करनी पड़ेगी, फिर जाके थोड़ा रेस्ट मिलेगा, आज मुझे उससे पहले नहीं, तो अभी वो कर लेते हैं, वरना जो वीडियो मतलब पब्लिशिंग टाइम है वो लेट हो जाएगा। ओके तो अभी बैठ के वही करते हैं। सो आज ना वीडियो जा नहीं पाया और मैं बहुत देर बाद अभी शूट कर रही हूँ, मैं थोड़ा सो के उठी हूँ, तो एडिटिंग हो गया था बट कुछ टेक्निकल इशू के वजह से मैं पब्लिश नहीं कर पा रही थी, तो उसके बाद मैं क्या करूँ सोच रही थी, तो मैं सो गई, तभी सो के उठी हूँ और एक्चुअली दी ने जगाया है फ़ोन करके कि इतना देर हो गया तूने फ़ोन नहीं क्यों किया, क्योंकि हम लोग सारा दिन में बहुत बातें करते हैं, बहुत देर तक नहीं बट एक घंटा डेढ़ घंटा बाद एक दूसरे को कॉल करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, मैं पॉम पॉम को देखने के लिए बहुत कॉल करती हूँ। तो अभी थोड़ा जाएंगे मार्केट, थोड़ा मेरी जेठानी की चीज़ खरीदना है और मम्मी का एक दो चीज़ खरीदना है, डेट्स इट। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ शेयर करूँगी जो मैंने परचेस किया है, तो मैं बाज़ार से आते वक्त मैं बाज़ार से आने के बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अभी जाते हैं नीचे, और चावल की खीर जो है बहुत टेस्टी बना था कल, थोड़ा सा शुगर ज़्यादा हो गया था बट बहुत टेस्टी बना था, तो वो हम लोग खाएंगे अभी, क्योंकि मुझे भूख लगी है, और अभी जाते हैं मार्केट और उसके बाद मैं आप लोगों के साथ मिलती हूँ। सो कुछ दिनों से मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी कि मुझे घर में पहनने का जो ड्रेस है वो चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ अभी कुर्ती और लेगिंग्स पहनने में, तो मैंने कुछ चीज़ें जो है परचेज़ की है अमेजन से रिसेंटली, तो अभी मैं वो सभी कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, कौन सा चीज़ मैंने लिया है, अगर आप लोगों को पसंद आता है तो आप लोग भी वो चीज़ परचेज कर सकते हो। तो पहले मैं दिखा देती हूँ, दो पजामा मैंने लिया है, ये है एरियल कॉटन पजामा, तो मैंने फुल मैंने अभी तक ओपन भी नहीं किया है आप लोगों को दिखाने के लिए, तो ये फुल लेंथ तक है, मैंने शॉर्ट नहीं लिया, फुल लिया, और ये ब्लू कलर में है, डार्क ब्लू कलर में है, और अंदर में थोड़ा छोटा छोटा प्रिंट जो है वो दिया हुआ है, तो मेरा साइज इसमें स्मॉल है। नेक्स्ट मैंने लिया है एक ग्रे कलर में, सो ये बहुत ही एक सूदिंग कलर है, और इसमें जो है कुछ चाय आइसक्रीम कुछ ऐसा प्रिंट दिया हुआ है, बहुत क्यूट है, और ये दोनों का सेट है, ये दो पजामा का सेट है, तो दोनों का प्राइस है एक साथ 799, तो ये दोनों में ही मेरा साइज जो है वो स्मॉल साइज है। सो ये गया मेरा फर्स्ट दो पजामा की सेट। सो पजामा के साथ क्या आता है, टी शर्ट, तो मैंने टी शर्ट भी लिया है, तो मैंने 5 टी शर्ट का सेट लिया है एक साथ, तो ये निविक ब्रांड का ही है, तो एक मैंने लिया है, मैं एक एक करके दिखाती हूँ, तो एक येलो कलर में लिया है मैंने, एक ब्लू कलर में, स्काई ब्लू कलर में लिया है मैंने, एक पिंक कलर में लिया है मैंने, एक ग्रे कलर, और एक खोल के दिखा रही हूँ, ये एक मरून कलर में है, तो मेरा साइज जो है टॉप में मैं हमेशा XS लेती हूँ, वो मुझे बहुत अच्छा फिटिंग्स आता है, बट घर में पहनने के लिए मैंने लिया है ना, तो इसीलिए मैं थोड़ा कम्फी चाहती थी, तो इसलिए मैंने स्मॉल साइज लिया, थोड़ा सा मुझे लूज होगा बट मैंने खुद से ये लिया है, थोड़ा मुझे लूज भी चाहिए था, और मटेरियल जो है मटेरियल बहुत सॉफ्ट है, कॉटन मटेरियल में है,
और सब में जो है कुछ कुछ लिखा हुआ है। तो ये 5 टी शर्ट का प्राइस है 975 रुपीज ओनली। सो नेक्स्ट मैंने और एक टॉप लिया है, वो थोड़ा बाहर पहनने के लिया है। बहुत दिनों से मेरा जो नजर था उसमें था इली लंडन का जो टॉप है ना, वो बहुत अच्छा है, बहुत फैशनेबल है और मुझे बहुत पसंद है। और मैंने यहाँ पे लिया है ये एक टॉप बाहर पहनने के लिए, बहुत स्मार्ट पीस है और इसमें मेरा साइज है S। ये पहनने के बाद कुछ ऐसा शेप में आएगा, दिखा देती हूँ। तो ये ऐसा स्लीव है इसमें और ये नेक डिजाइन जो है बहुत यूनिक है और ये हाई वेस्ट जींस के साथ बहुत अच्छा लगेगा। साड़ी पहन रही हूँ उसके ऊपर क्रॉप टॉप दिखा रही हूँ, कैसा लग रहा है ना, बट आप लोग तो जानते हो मैं ये सब पहनती हूँ। और ये पीच कलर में है, तो पीच कलर, पेस्टल कलर, पेस्टल ब्लू कलर, ये सब बहुत अभी फैशन में चल रहा है तो बहुत स्मार्ट लगता है। तो मैंने लिया है ये एक इली लंडन का एक टॉप, तो इसका प्राइस है 499 रुपीज ओनली। और मटेरियल जो है बहुत सॉफ्ट है, बहुत कम्फी है और मुझे बहुत पसंद आया। मतलब 499 रुपीज में आपको बहुत ही हाई क्वालिटी का जो टॉप है वो मिल जा रहा है यहाँ पे। सो मेरे लिए, मैंने इतना सारा शॉपिंग किया है तो उनके लिए नहीं करूँगी, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो मैंने उनके लिए लिया है ये चारों वेस्ट, मतलब ये चार का सेट था। ये वेस्ट है, मैं दिखाती हूँ। तो कल का व्लॉग आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है बर्थडे व्लॉग में, वो हाफ स्लीव्स एक वेस्ट पहन के बैठा था ना, तो वही ये नया वाला से लिया है। तो ये चारों मैंने लिया है, तो मैं एक दिखा देती हूँ जो उन्होंने पहना है, जो उन्होंने पहना था ये वाइट कलर का, वो घर में ऐसे ही पहनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, स्मार्ट पीस लगता है और लड़कों के लिए बहुत बेस्ट है गर्मी के समर सीजन में ये सब बहुत बेस्ट है। मटेरियल जो है, मटेरियल कॉटन मटेरियल है और बहुत सॉफ्ट है और उसको बहुत गर्मी लगता है, लड़के लोग को बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है, बट इसमें बहुत कंफर्टेबल है। और इसमें मैंने उनका साइज लिया है L। एक मैं खोल के दिखा देती हूँ, एक है ये ब्लैक कलर में है, बट यहाँ पे थोड़ा सा ब्लू कलर दिखा रहा है, बट ग्रे से लेके डार्क ग्रे मैं बता सकती हूँ, कुछ ऐसा है। तो लिया है एक ग्रे में एक ब्लैक में। तो ये सेट ऑफ 4 मुझे मिला है 687 रुपीस में ओनली। सो आज जो भी प्रोडक्ट्स मैंने परचेस किया, जैसे पजामा का सेट, 2 सेट जो भी आज परचेस किया, सिर्फ टॉप छोड़ के सभी जो चीजें मैंने सेट में लिया है, जैसे कि पजामा का 2 सेट हो गया, टॉप का 5 सेट हो गया, फिर उनका वेस्ट का 4 सेट हो गया और सिर्फ लंदन का जो टॉप लिया है वो सिर्फ सिंगल था। तो सभी प्रोडक्ट्स का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया हुआ रहेगा, प्लीज विजिट कीजिए अगर आप लोगों को पसंद आता है ये सब चीज। और एक लिंक भी दिया होगा जहां पे, उस लिंक पे अगर आप क्लिक करोगे ना, तो उस लिंक पे जाके जो भी प्रोडक्ट्स मैंने परचेस किया है सभी प्रोडक्ट्स का डिटेल्स एक साथ आप लोगों को मिलेगा, तो बार बार इधर उधर जाने का जरूरत नहीं है। उस प्रोडक्ट में आप क्लिक कीजिए तो डायरेक्टली आप उस प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं। तो यही गया मेरा आज का छोटू सा हॉल घर में पहनने के लिए, सभी जो चीज मैंने लिया था। सो ये सब ड्रेस पहनते हुए ही आप नेक्स्ट ब्लॉग्स जो है वो आने वाला है। तो फाइनली मैंने अपना जो घर के लिए चीजें है, मतलब घर में पहनने के लिए चीजें है वो ले लिया है। तो मुझे और भी पजामा जो है वो भी चाहिए, तो पजामा मैं धीरे धीरे लूंगी, क्योंकि 5 का तो टॉप ले लिया, और भी टॉप्स है मेरे पास, बट पजामा नहीं है, तो पजामा मैं दूसरा और भी खरीदूंगी, मैं बाद में अगर खरीदती हूँ आपको दिखाऊंगी भी जरूर। और मैं जब शूट कर रही थी तो यहाँ पे चुपचाप बैठ के ये भतीजी जो है वो देख रही थी, तो ये बिल्कुल शांत था, ये बिल्कुल शांत थी और कुछ नहीं बोला, कुछ डिस्टर्ब नहीं किया, सिर्फ बोल रही थी कि मैं आपके साथ ऊपर में जाऊंगी, ठीक है आ जाओ।
तो यही है, तो इस वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पे खत्म। और कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये संक्रांति वाला व्लॉग? मैंने आज बहुत सारा काम किया है और इसको इसका डांस कैसा लगा? ये सजने के बाद बहुत प्रिटी लग रही थी और अभी ना इसका यहाँ पे काजल वगैरह जो है अभी भी है, तो अभी भी बोल रही थी कि मुझे सजा दो। मैं बोल रही थी कि नहीं आज नहीं, कल सजा दूंगी, क्योंकि आज ऑलरेडी मेकअप किया है थोड़ा बहुत, तो बच्चे के स्किन पे बहुत असर हो जाएगा, इसलिए मैं बोल रही थी कल आपको सजा दूंगी, आज नहीं। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करती हूँ। पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, और मैं मिलती हूँ मेरे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कर दो ना बाय।